Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to farmerboyz. ये rabbits हैं और इनके लिए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इनके लिए एक बिल्कुल समझ लें कि natural आप इसे habitat दे सकते हैं. आप ये मिट्टी का एक है पूरा, हमने blocks रख दिए ताकि और मज़ीद खोदे नहीं. और जैसे ये hole करते हैं मिट्टी में, हमने hole की जगह इनको ये मटका आधा जो है वो नीचे है और अंदर हमने इसको हाफ फिल कर दिया मिट्टी के साथ. और आगे भी थोड़ी सी मिट्टी ले आए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं. और इसमें ये हो जाता है इजी के ये लोग खुद जाते हैं और अंदर जाके ब्रीडिंग करते हैं. और इसमें दो मेल हैं, दो फीमेल हैं. और फीमेल तो रेडी टू ब्रीड हैं, एक ये मेल जो हैं ये छोटे हैं. अभी फीमेल ने मटकी के अंदर जाना शुरू कर दिए. तो मटके में जो रिज़ल्ट आता है वो केज में केज से डबल ज़्यादा होता है. क्योंकि अगर इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं तो होल में या केज में ये मज़ीद बच्चे नहीं देते. तो केज में ये बच्चे दे के फिर जब तक उनकी ग्रोथ नहीं होती तब तक वो सेकेंड ब्रीड नहीं करते हैं. या मटकी में ये इनका होता है कि ये बच्चे अभी छोटे ही होते हैं तो ये दूसरी ब्रीड भी कर जाते हैं. तो ये इसका बेनिफिट होता है. तो आप इसको इजीली मतलब एक जगह है ये ऑलमोस्ट 3x3 की जगह है और इसके ऊपर आप मिट्टी ब्लॉक रख दें ताकि ये मज़ीद होल ना करें. और एक मटकी ले लें जिसमें दो रैबिट जो हैं वो ईज़िली आ सकें. तो इसको मतलब बहुत इजी है इसको करना. यहीं से आप खाना डालें, यहीं पे पानी का एक वो हमने रखा हुआ ड्रम. तो ये बड़े ही फास्ट ब्रीड करते हैं ये मटके के थ्रू. तो ये एक नई चीज़ थी तो हमने सोचा कि आपको इसमें शामिल किया जाए. तो मज़ीद इसके बारे में कोई जानना चाहें आप लोग तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन पे मैसेज कर सकते हैं. और नंबर भी हमारा दिया हुआ है रैबिट फार्मिंग के हवाले से, या गोल्डन मिस्री या ऑस्ट्रोलॉप या बटेर फार्मिंग के हवाले से अगर आप कोई कुछ चीज़ पूछना चाहें कराची में तो बिल्कुल हम आपको फैसिलिटी बना के देंगे बेहतरीन. और सेलिंग का भी इसका कोई इशू नहीं है, उसके बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे. थैंक यू.